गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ पुणे, मतलब कॉलेज के लिए। तो मेरा कॉलेज पुणे में है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, तो वीडियो आने वाली आएगी, वीडियोस और ब्लॉग्स वगैरह मैं बनाते रहूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं पुणे जा रहा हूँ, कॉलेज वहीं है मेरा। तो मैं सब कुछ आगे डिटेल्स में बताऊँगा आपको बाद में। अभी तो बस क्या है कि 4:40 पे ट्रेन है और अभी टाइम हो रहा है 3:15। तो टाइम तो आधे घंटे ही है बाकी जाने के लिए। तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, फटाक से चेंज कर लेते हैं। पैकिंग वगैरह तो सब हो गई है मेरी ऑलरेडी, ये सब पैकिंग वैकिंग हो गई है। यहाँ पे सामान रखा हुआ है, सारे बैग्स मेरे हैं। अभी रेलवे स्टेशन जाना है, ट्रेन से जाने वाले हैं। और मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा कि कौन सा कॉलेज है, कॉलेज बोर्ड के सब कुछ बताने वाला हूँ आगे, सब आएगा सब कुछ। तो वीडियो एंड तक देखना। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ, बस हम निकलने वाले हैं। तो मैं आपको आगे मिलता हूँ रेलवे स्टेशन पे। लोग जा रहे हैं, हम भी वगैरह खड़ी है और हम लोग जा रहे हैं बस। I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे। पीछे ट्रेन खड़ी है, पीछे मम्मी भी बैठी हुई है। मिलने के लिए आए हैं। अरे There was a part of me that knew that it's still uncaught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. ट्रेन रुकी है भुसावल स्टेशन पे और हम लोग खंडा से तो निकल गए थे टाइम पे ट्रेन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो पापा और मैं बाहर आए हैं अभी। So hard to stay afloat, you will keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. मैं पुणे आ चुका हूँ और मैं हॉस्टल में हूँ अभी। और ये पीछे साइड है मेरा रूम। तो मैं शूट नहीं कर पाया इस पर, रेलवे स्टेशन पर हम जब आ रहे थे तो मैं रास्ते में इतना शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत भीड़ थी और साथ में ना लगेज भी बहुत सारा था, तो इतना नहीं हो पाया। तो थोड़ा बहुत मैं आपको रूम वगैरह दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हॉस्टल दिखा दूँगा, बाकी का ब्लॉग्स मैं उसके ऊपर बाद में बनाऊँगा। बाकी तो अभी अंदर है, फ्रेंड्स वगैरह है, पापा मम्मी है, और मैं बताता हूँ बाद में आपको सब कुछ। अभी मैं पापा मम्मी के साथ बाहर जाऊंगा, देखते हैं कहाँ जाने का है अभी। और फिर चेंज भी करना है, ठंड लग रही थी रात में रास्ते में। मेरे पेरेंट्स का भी मेन था कि तू कहीं के भी दोस्त देख ले। ये मेरा फ्रेंड है, स्पेशलाइजेशन के रहना। ये पापा मम्मी है, हेल्प भी हो जाएगी बाद में। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं बाहर आ गया हूँ। मैं अपने मेरे साथ और अपने फ्रेंड के साथ भी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, लंच भी हॉस्टल से, देखते हैं क्या होता है। सो ये रहा कैंटीन। अभी खुला है कैंटीन वगैरह। तो ये रहा रितेश और फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं पीछे। अभी मैं पापा मम्मी के साथ थोड़ा सा मार्केट साइड घूमने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं बाहर कहीं थोड़ा सा, और बहुत मस्त व्यू है यहाँ का। तो अभी हम लोग आए हैं विमान नगर, अब देखते हैं कहाँ से आ रहे हैं। अभी तो मम्मी पीछे चल रहे हैं, ये लोग भी शाम को चले जाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ फिर चलते हैं। ये इधर आए हम लोग मॉल, और अब यहाँ पे सर्टिफिकेट चेक होगा वैक्सीनेशन का, सेकेंड डोज का। थोड़ा सैनिटाइज वगैरह करके, तो चेकिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है यहाँ पे। मतलब सैनिटाइज़र वगैरह प्रॉपर वे, पूरा हाइजीन का पूरा ध्यान रखा हुआ है पूरे मॉल में, मतलब बहुत ही शानदार है। Smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn. थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है
मम्मी शॉपिंग वॉपिंग कर रही है और पापा मैं भी चल रहे हैं पीछे पीछे। हम देखते हैं थोड़ा सा, ये पीछे म्यूजिक बज रहा है, देखो घूम रहे हैं अभी तो। But didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, go. So guys, अभी हम लोग आए हैं Pizza Hut पे यहाँ पे और pizza वगैरह order किया। अभी जा रहे हैं हम लोग वापस, हॉस्टल जाना है थोड़ा सा, उसके पहले कुछ सामान लेने का है और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे हॉस्टल। हम लोग थोड़ा सा सामान लेना है वो लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे कॉलेज। कॉलेज जाएगा तो दोस्त फिर बन जाएंगे। तो गाइस अभी पापा मम्मी को ढूंढने के लिए वहाँ तक ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ और हम लोग हॉस्टल तो आ गए थे, सामान वगैरह भी ले लिया था, अभी वो सब रख के बस पापा मम्मी को छोड़ के फिर वापस आके काम करना है। तो पापा मम्मी को तो छोड़ दिया है, अब मैं जा रहा हूँ रूम में और फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या सब्जेक्ट है, क्या सब है, कौन सा कॉलेज है, सब कुछ। तो अभी मैं और मेरा दोस्त हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर। सो ये कॉलेज के अंदर का है, ये है ऋतिक और ये क्या चीज़ है यहाँ पे, बढ़िया है। मेरा रितेश और वो रे रिया और वो रिया है, ये रिया है और वो कौन है, वो इसकी फ्रेंड है। अब ये लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, so guys, मैं अभी अपने रूम में हूँ और मैं इसके पहले जितना भी आपने देखा वो मैं शूट कर रहा था, उसके बाद का मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, फ़ोन पूरा डेड हो गया था, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से कॉलेज में आया हूँ, कहाँ पे, आपको तो पता ही है पुणे आया हूँ, कौन से कॉलेज है, मेरा कोर्स क्या है, बाकी सब कुछ। तो ये है मेरी अजंक्या डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी, ये लोहेगांव में है पुणे में और मैंने कोर्स किया है BCA, स्पेशलाइजेशन है डाटा साइंस का। मतलब जब भी मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं डालूँगा ब्लॉग्स बना के। अभी ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलते हैं।